हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको आलिया कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करूंगी। मैंने यहाँ पे टोटल 3 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और इसी से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया हुआ है। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है और टॉप पार्ट की लेंथ हम यहाँ से 15 इंच रखेंगे। ये हमने 36 साइज के अकॉर्डिंग बनाया है, आप मेजरमेंट देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह से शोल्डर लेंगे 6.5 इंच और यहाँ से 6.5 इंच हम आर्म होल ले लेंगे और दोनों को इस तरह से मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें चेस्ट का 1/4 लेना है, 9 इंच प्लस मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो 2 इंच भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं। इसके बाद इस तरह से आर्म होल को 1.5 इंच की गोलाई दे देनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से राउंड शेप करना है। और फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच का शेप देना है इस तरह से। ये देखिए, फ्रंट आर्म होल के लिए हमने शेप दे दिया है। अब हम लेंगे नेक विड्थ 3 इंच और नेक का जो लेंथ है वो फ्रंट पार्ट का हम 6 इंच लेंगे और बैक पार्ट का 4 इंच लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम ज़्यादा रख सकते हैं। बैक साइड के लिए मैंने यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ किया हुआ है और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे वी शेप ड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों पार्ट को मैंने अच्छे से मार्क कर लिया हुआ है। अब हम कमर की तरफ से इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की वन इंच ऊपर की तरफ से लेंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हमें आलिया कट कुर्ती बनाने के लिए 5 इंच ऊपर लेना है यहाँ से। ये देखिए, सेंटर से 5 इंच ऊपर लेंगे। फोल्डिंग साइड आपको लेना है, जिस तरफ से हमने फोल्ड किया हुआ है बंद वाली साइड, उस साइड हमें लेना है 5 इंच और इसे इस तरह से मिलाते हुए तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली हुई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इस आसान तरीके से आलिया कट कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो इस तरह से बैक पार्ट को सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले बैक पार्ट को इस तरह से निकाल के रख लेना है और अब हम आर्म होल को कट करेंगे, फिर गले की कटिंग करेंगे और इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की पूरी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने आर्म होल और गले की कटिंग कर ली है। अब हम नीचे की तरफ से आलिया कट कुर्ती का शेप देंगे। ये देखिए, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसे साइड में रखेंगे और स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे लेंथ में फैब्रिक लिया हुआ है 18 इंच, विड्थ में हमारे पास जितना फैब्रिक था मैंने ले लिया है। और जिस तरह से नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप देंगे। इस तरह से आपको गोलाई दे देनी है स्लीव्स का और यहाँ से बॉटम लेना है स्लीव्स का 8 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रखें जितना आपका बॉटम आ रहा है और इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से जॉइंट कर देना है और इसकी कटिंग कर देनी है। बिल्कुल अच्छे से सावधानी से यहाँ पे आपको कट लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी हुई है। अब हम फ्रंट पार्ट का शेप देंगे स्लीव्स के लिए 1/2 इंच का। तो इस तरह से शेप दे देंगे और कपड़े को खोलते हुए हम इसे छांट लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स की
कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को ले लिया हुआ है और इसे डबल फोल्ड किया है। कपड़े को डबल फोल्ड किया है, बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है और ये है बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट की लेंथ मैंने 5 इंच बड़ी रखी हुई है क्योंकि हमने आलिया कट की कटिंग करने में 5 इंच का शेप दिया था, इसीलिए हमने 5 इंच लिया हुआ है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखें फ्रेंड्स, जितना आपको लेंथ पसंद हो। और बैक पार्ट को इस तरह से साइड रख लेना है। बस ध्यान देना है कि बैक पार्ट के अकॉर्डिंग आपका फ्रंट पार्ट 5 इंच एक्स्ट्रा हो, वरना आपका जो फैब्रिक है वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से जिस साइड ओपन वाली साइड है उस साइड हम मार्क करेंगे। ये देखिए इस साइड ओपन वाली साइड है तो 5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इसे मिला देंगे इस तरह से। बिल्कुल तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेना है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तिरछा लाइन ड्रॉ कर लिया हुआ है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है आलिया कट कुर्ती कटिंग करने का। और यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है, ये देखिए कुछ इस तरीके का शेप आएगा ओपन करने के बाद। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं। तो आप चाहे तो प्लेट्स डालने के लिए छोटे छोटे चुन्नट लगा सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, या फिर आप सुई धागे की हेल्प से भी छोटे छोटे प्लेट्स बना करके कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ये देखिए सुई धागे को हल्का सा छोटा 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 हमें यहाँ पे स्टिच करते जाना है, जिससे कि बहुत ही छोटे छोटे प्लेट्स बनेंगे और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं या फिर डायरेक्ट मशीन में छोटे छोटे प्लेट्स डाल सकते हैं। आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से आप यहाँ पे इसकी प्लेट्स लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट्स लगा लिया हुआ है और कुछ इस तरीके का लुक आता है। अब हमें दोनों को स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को भी स्टिच कर लिया हुआ है और ये है फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट को भी मैंने स्टिच कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें गले की फिनिशिंग डालेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से पट्टी कट की हुई है और पट्टी को गले के ऊपर इस तरह से रखना है उल्टा साइड से, और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा देना है और गले के साइड में छोटे छोटे कट्स लगा के इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके पलट देना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए मैंने गले की फिनिशिंग दे दी हुई है और लेस लगा लिया हुआ है। इसके बाद आपको स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो स्लीव्स को जॉइंट करने के लिए आपको इस तरह से अच्छे से दोनों तरफ से लगा लेना है स्लीव्स। और कुर्ती को इस तरह से उल्टा रखना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसकी स्टिचिंग लगा देनी है। तो दोनों तरफ से हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।